आइए उसे जानते हैं देवी अहिल्या जी के बारे में। देवी अहिल्या जी एक प्रेरणा स्रोत नारी है जिन्होंने उस टाइम पे जब देवी जी के पीरियड में सती प्रथा थी, सती प्रथा के पीरियड में देवी जी के सती न होकर धर्म कार्य में शिव जी को लेकर शिवलिंग लेकर, देखो आज भी मित्र शिवलिंग को लेकर इन्होंने राज किया। जैसे राम के पीरियड, अयोध्या के पीरियड में रामचंद्र जी के पद जाना लेकर भरत जी ने जैसे उनके साथ प्रेरणा दे और राज चलाया अयोध्या पर, राम राज्य आज भी उस टाइम पे नाम से कहते हैं कि आप राम राज्य कब आएगा। इसी प्रकार देवी जी ने अपने पीरियड में 1700 लेके और 1796 तक इन्होंने राज करा और राज ऐसा करा शिवलिंग को राज रखा, कहते मैं खुद रानी नहीं, मेरी पब्लिक मेरी जनता रानी है। और इन देश में इन्होंने प्रेरणा स्रोत इसलिए इनको देवी जी को कहा जाता है, इनके खानदान ने 220 वर्ष तक राज किया है। मल्हारा होलकर ने इंदौर राजधानी की स्थापना की और उसमें हिंदुस्तान के अंदर धर्मस्थल 12672 जो किसी भी राजघराने, मेरे ख्याल से 500 राजघराने थे, किसी ने भी इतने धर्मस्थल वगैरह समाज को जोड़ने का काम नहीं किया। अब मैं ये खुलेआम चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के थ्रू, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ कि आपने चलो हमारी बात वहां तक रखी। इनसे प्रेरणा लेकर देश की जितनी भी नारियां हैं कम से ये देखें कि उन्होंने अपने बेटे तक को न्याय के लिए, बेटे तक को गाड़ी के नीचे कुचलवाने का ऐलान, हाथी के नीचे कुचलवाने का ऐलान किया था, न्याय पर दिया, न्याय के लिए। आप पाल समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाल समाज ये है कि एकत्र होके समाज से ही अपनी एकत्र होके मतलब एकजुटता होगी, इस समाज के लिए हीन भावनाओं को छोड़ दें अपने अपने प्रति, ये समाज को छत्रता के ऊपर, देश हमेशा सेनों से और सैनिकों से ही लड़ाई हुई है, देश की बाउंड्री सुरक्षित रही है तो वीरों से हुई है, वीरों से कभी नहीं हुई, हाथ में राख जमाने कभी नहीं हुआ, हाथ फैलाने से कभी नहीं हुआ, वीरों से ही छाती मतलब है और देश की रक्षा, माँ की रक्षा भी कर पाए तो देश के वीरों ने कर है। तो मैं ये देश के पाल समाज को इकट्ठा करके कि इकट्ठे रहोगे आप समाज को एकजुट होकर रहोगे तो आपको दुनिया सलाम करेगी, और नहीं तो आपको एक एक करके जैसे रहो बड़े बूढ़ों की हमारी कहावत है चार एक बुढ़े के चार लड़के थे एक एक करके सबने तोड़ दी इकट्ठी किसी ने, तो मैं चाहूंगा कि सभी इकट्ठे पाल बघेल के नाम से लेके प्रेरित होके नाम कुछ भी रखो एजेंडा एक हो देवी जी का, एकजुट रहे, एकजुट रहेंगे तो आपको सत्र भ्यातियां हो सकती है अलग अलग, लेकिन विचारधारा एक रहे, विचारधारा से पाल क्षत्रिय जी, पाल क्षत्रिय क्या पाल बघेल वगैरह, ये होलकर धनगर है, ये धनगर एक जाति है, इसमें नाम अभिन्न हो सकते हैं, लोग बघेल लिख लेते हैं पाल लिख लेते हैं, वो सब एक ही जाति है, खून एक है सबको कहते हैं, तो लोग तो मुसलमान को भी एक मान लेते हैं, तो ये आप हिंदू धर्म हो गए पाल क्षत्रिय बहुत सारे लोग हैं, नाम अपनाम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन नाम एक होने के बाद ये गड़िया समाज पाल समाज के नाम से पहचाने जाने वाला समाज, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर 16 करोड़ से ऊपर की आबादी में आपको गिनती करके जा सकता हूँ 91 की। बहुत बहुत धन्यवाद, में भी बहुत गिनती है मेरे पास।